वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। हमारे शो पर हम जरूर एक आपका हेल्थ रिलेटेड इशू जो है या सेगमेंट है उसको जरूर ऐड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेहत आपके लिए कितनी जरूरी है। और आज हम हार्ट अटैक के हवाले से, हार्ट डिजीज के हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर तैयब, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेशनल हॉस्पिटल में होते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। सबसे पहले हार्ट डिजीज और हार्ट जो अटैक है इसकी रेशो में इजाफा, बेसिकली ये है क्या, फिर इसकी रेशो की बात। हार्ट अटैक या कल्ब का आर्जा होना, ये दिल की शरियाने हैं। दिल में तीन शरियाने अल्लाह ने बनाई हैं जो हार्ट के मसल को खून सप्लाई करती हैं, जिसमें तंगी आ जाती है। जब तंगी आती है तो उसकी वजह से आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, छाती में दर्द, सांस फूलता है, पसीना आता है। अगर ये शरियान यकायक बंद हो जाए तो उस सिचुएशन में, जिसको हम बड़ा हार्ट अटैक या ST एलिवेशन MI कहते हैं, इसका बरवक्त इलाज होना ज़रूरी है। अगर ये शरियाने बतदरीज ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता तंग हो तो ये स्टेबल एंजाइना करती हैं, या छोटा हार्ट अटैक जिसको हम नॉन ST एलिवेशन MI कहते हैं। इसकी वजूहत बेसिकली हमारा खुराक, लाइफस्टाइल, शुगर ज़्यादतीस का माशरे में ज़्यादा बढ़ना, तंबाकू नोशी, असाबी तनाव का होना, ये सारी चीज़ें उसकी तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। इलाज की तरफ, जैसे मैंने बताया कि जो बड़ा हार्ट अटैक है ST एलिवेशन MI, चूँकि शरियान 100% बंद है या ऑलमोस्ट 99% बंद है, तो हार्ट का मसल डैमेज हो रहा है, उस शरियान का खुलना बर वक्त बहुत ज़रूरी है ताकि हार्ट के मसल को डैमेज ना हो। जो हार्ट का मसल डैमेज हो जाएगा उसके मुस्तकबिल में बहुत सारे और नुकसान आते हैं, हार्ट फेलियर का डेवलप होना, दिल के वाल्व्स पे उसका असर आना, तो उस शरियान का बर वक्त खुलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी PCI, कि हार्ट अटैक का बर वक्त इलाज उसी वक्त कर दिया जाए, उसकी शनाख्त ECG पे होती है। और अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें फैसिलिटी मौजूद है कि वहाँ पे उसी वक्त ही एंजियोग्राफी करके उस शरियान को खोल दिया जाए स्टेंट के ज़रिए, बलून के ज़रिए, तो ये सबसे बेहतर इलाज है। अगर वो फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, क्योंकि यू नो यू हैव लिमिटेशन, लाहौर शहर में तो होगा बट मुख्तलिफ अजला में जहाँ पे नहीं है, तो फिर उनको क्लॉट बस्टर टीका, जिसको स्ट्रेप्टोकाइनेज या TPA एल्टेप्लेस कहा जाता है, वो बर वक्त उसी वक्त लगा दिया जाए। ठीक है। और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी ऐसी फैसिलिटी में जहाँ ये क्योर, जिसका आगे फैसिलिटी मौजूद है एंजियोग्राफी की। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों को नहीं आइडिया होता हार्ट अटैक है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो लोगों को नहीं आइडिया कर पाते कि उन्हें आप जो दिल का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या सिम्टम्स होंगे, अर्ली सिम्टम्स की भी बात करें ताकि उनको आइडिया हो जाए। जो टिपिकल सिम्टम्स हैं बड़े हार्ट अटैक के, वो तो छाती में दर्द है। सही। अब बहुत सारे पेशेंट्स को हम कहते हैं जी आपको छाती में दर्द है, कहते हैं जी दर्द नहीं है, हमें दबाव महसूस होता है। सो हमारे माशरे में दर्द की डेफिनेशन वुड बी समथिंग जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, विच समटाइम्स हैपन समटाइम्स डज नॉट हैपन, स्पेशली जो पेशेंट्स बुजुर्ग हैं, ज़यीफ हैं, शुगर है, उन लोगों को कई दफ़ा टिपिकल बहुत एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन नहीं होती। तो छाती में दर्द, छाती में दबाव, उस दर्द का बाएं हाथ में जाना जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, उस दर्द का जबड़े में जाना या दर्द का सिर्फ जबड़े में ही होना, पसीना आना, कह आना, नोजिया इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, सांस का फूलना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे कि हार्ट का मसला हो सकता है इन केस ऑफ अ हार्ट अटैक। इफ समबडी हैज़ एन एंजाइना, उसमें फिर पेशेंट एक फ़र्क हिस्ट्री देगा, वो कहेगा जी मैं चलता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो छाती पर दबाव आ जाता है, या मैं तेज़ चलता हूँ तो मुझे पसीना आ गया, या सांस बहुत एकदम से फूल गया, पहले नहीं फूलता था। ये भी हार्ट की ब्लॉकेज या हार्ट के मर्ज़ का एक अलामत है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ छाती में शदीद दर्द हो, अगर पसीना आए, सांस फूले या नौजिया के सिम्टम्स हों, तो उस सिचुएशन में भी हार्ट अटैक को रूल आउट करना चाहिए, जिसके लिए एक बड़ा सिंपल सा ECG टेस्ट है जो अवेलेबल है, जो कि किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वुमन घर पर भी अगर खुदा ना करता हमें कोई ऐसा पेशेंट या इमरजेंसी की सूरत में हमें ट्रीट करना पड़े या उसको कोई कहले फर्स्ट एड देनी पड़े, तो किस तरह से दी जा सकती है? देखिए, अगर तो बेहतर तो है कि आप उसको करीबी तरीन इमरजेंसी में ले जाएं, बट अगर है तो आप डिस्प्रिन उनको दे सकते हैं कि वो डिस्प्रिन ले लें, जो चबा लें या डिस्प्रिन स्वॉलो कर लें अगर सस्पेशन हार्ट अटैक की है। बट चूंकि कई दफ़ा ये ना हो कि मैदे की वजह से ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, तो डिस्प्रिन लेके वो और ख़राबी की तरफ ले जाएगा। तो आई वुड, मेरा मशवरा यही होगा कि करीबी तरीन हॉस्पिटल ले जाया जाए। हाँ, अगर पेशेंट कॉर्ड फॉरपेट कार्डियक अरेस्ट है, जिसको हम कहते हैं बाहर जो हस्पताल में ना हो कि दिल की धड़कन बंद हो गई है, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से है या किसी और वजह से है, तो उस सूरत में अगर कोई ट्रेंड
है जिसको पता है BLS जिसको कहते हैं कि CPR जिसको पाकिस्तान में उर्फ आम में पंपिंग कहा जाता है कि कैसे किया जाए, तो वो कर सकते हैं अगर प्रोवाइडेड उनको वो आता है. बेस्ट इज कि उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आप करीबी हॉस्पिटल पहुंचाएं या इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करें. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ अक्सर ये भी एक इशू आता है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट होता है और इसकी वजह से भी हार्ट डिजीजेज जो हैं, हार्ट अटैक, इनकी रेशो में भी इजाफा हो रहा है बहुत ज़्यादा ओवर द एज यंग एज में बहुत सारे लोगों को. क्या वजूहत है? जी, देखें अभी तक हमने जितनी बात की है ना, ये हमने बात की है टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि जो मैं देखता हूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका आगाज़ बहुत पहले शुरू हो गया होता है. उस शरीयान में तंगी का होना या उसका असर आना, और उसमें नंबर वन जो कॉज है वो हमारी खुराक है. अब खुराक बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गई भी है, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड है. गालबन मेरे ख्याल से मेरे प्रोग्राम से पहले शायद आप लोगों का था ऐसा प्रोग्राम भी जो न्यूट्रिशन पे भी आप लोगों ने किया. तो उसमें यह है कि बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड जिसमें जो ये वाइट, जिसको वाइट ब्रेड कह लें या मैदा कह लें, बेकरी प्रोडक्ट्स कह लें या ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, ये सारे खुराक में बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज डाइट हो गई हुई है पाकिस्तान के अंदर. नंबर दो, तंबाकू नोशी की शराब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो यंग पेशेंट्स जो हम हार्ट अटैक के ज़्यादा देख रहे हैं वो मोस्टली आर बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग. जो रिलेटिवली ओल्डर, जिसको मैं ओल्डर भी नहीं कहूँगा, अमेरिका में जहाँ हम काम करते थे वहाँ पे हम इसको भी यंगर 40-50 ईयर ओल्ड को कहा जाता था, वो ज़्यादा शुगर या डायबिटीज़ की वजह से है. बट पाकिस्तान में तो 20-30 ईयर ओल्ड पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं हार्ट अटैक के साथ. उसका नंबर वन वजह इस वक्त तंबाकू नोशी की शराह का इस्तेमाल. असाबी तनाव कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ लॉट, स्ट्रेस ऑफ जॉब, स्ट्रेस ऑफ मेकिंग अ लिविंग, स्ट्रेस ऑफ करप्शन, ये सारी चीजें टेक्स अ टोल ऑन यू एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हार्ट. ठीक है. हमारे साथ कॉलर हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर से सवाल करना चाहता हूँ. मेरा हार्ट ना लार्ज है और मसल कमजोर है. सॉरी, तो वो ना मैं जब भी PIC पट्टे कमजोर हो गए हैं. ठीक है, ठीक है. और दिल का साइज बढ़ गया है. अच्छा ठीक है. तो मेरा सांस बहुत ज्यादा फूलता है और जिंदगी पेशा बहुत ज्यादा, जिंदगी अजाब से बन गई है. तो जब भी PIC वगैरह जाता हूँ तो वो 2 मिनट का ट्रीटमेंट लेते हैं तो वापस भेज देते हैं. आपकी एज क्या? पूछना है इनका. जी एज क्या आपकी? मेरी 38 है. ठीक है, ठीक है. डॉक्टर साहब अगर आपको सवाल करना चाहें. जी हाँ जी, नासिर साहब इस तरह है, मैंने आपका समझ लिया जो आपने बात की है. तो उसमें इस तरह है कि अब देखें ना, 38 ईयर ओल्ड पेशेंट और इनके हार्ट का मसल पट्टा वीक है. अब हार्ट एक पंप है, सो वेरी सिंपल मैकेनिकल ऑर्गन जिसका काम है खून को पंप करना फेफड़ों से लेके. अब अगर पंप काम नहीं करेगा तो वही पानी या खून फेफड़ों में इकट्ठा होगा जिससे सांस फूलेगा, और वही पंप जिसने पूरी बॉडी में खून पहुंचाना है अगर वो पंप नहीं करेगा तो वो बॉडी भी अपने तौर से काम नहीं करेगी, और वो नासिर साहब का सिम्टम्स करें. अब नंबर वन कॉज तो ये है कि हम पहले पता करें कि यह हार्ट का फंक्शन वीक क्यों है. क्या नासिर साहब को हार्ट अटैक हुआ था पहले, या उनकी शरीयानों में तंगी है जिसकी वजह से है. इसको ये इस आरजे को हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या LVF. अगर तो ये शरीयानों में तंगी की वजह से है तो उसका इलाज बाईपास या स्टेंट या दवाइयों से जैसे भी किया जाए वो बेहतर हो जाएंगी. इसके अलावा कुछ हार्ट फेलियर की दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट को देते हैं, जिसमें कुछ बेटा ब्लॉकर या ACE इनहिबिटर्स शामिल हैं, जो कि पेशेंट माँ लेता है तो हार्ट का फंक्शन में बेहतरी आ जाती है. तीसरी दवा है जो पेशाब आवर दवाइयाँ हैं जिनको लेके छाती से पानी खारिज हो जाता है. लाहौर शहर में काफ़ी सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जिस तरह इन्होंने जिक्र किया पंजाब कार्डियोलॉजी पे बर्डन ज़्यादा है, बट बहुत अच्छे वहाँ पे फिजिशियंस काम कर रहे हैं. अगर ये किसी को जाके आउट पेशेंट क्लिनिक में मिलते हैं, अपना मसला बताते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट और तशखीस मुकम्मल तौर पे हो सकती है और इसे ट्रीटेबल है. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम यंग एज की बात कर रहे थे, रेशो तो बढ़ गया लाइफ स्टाइल और सिगरेट नोशी, कुछ डायबिटिक पेशेंट और शुगर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स की बात कीजिए, तो उनमें भी क्या हार्ट अटैक का या हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल जी, बहुत सारा बढ़ जाता है क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तंबाकू नोशी, असाबी तनाव, हमारी मरूसियत, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ के डेवलप होने में और हार्ट अटैक के होने में. सो दे आर इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स, अगर बल्कि इनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं. जिस तरह हमारी मरूसियत है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो अल्लाह ने हमें दी है. बट जो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर का अच्छा कंट्रोल, पहले कि शुगर अगर हो ही ना, अगर शुगर हो गई है तो शुगर का अच्छा कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को अवॉइड किया जाए,
बट अगर ब्लड प्रेशर हो गया, इट्स प्राइमरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, तो उसका एक बेहतर कंट्रोल चाहे वो दवाइयों से है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से है, उसी तरह तंबाकू नोशी को ना करना, तो ये सारी चीज़ें दिस इज़ वेरी मच प्रिवेंटेबल जो ये सारी डिजीजेज हैं। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी हार्ट पेशेंट्स के लिए कितनी ज़रूरी है? फिजिकल एक्टिविटी हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, एक रेगुलर इंडिविजुअल को भी, चाहे वो हार्ट पेशेंट है या नहीं है, चाहे उसको शुगर है या नहीं है, या ब्लड प्रेशर है या नहीं, क्योंकि ये इसको प्रिवेंट करेगी। और जब आपको ये बीमारियाँ डेवलप हो जाएँ तो आप जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ किसी हद तक इनका इलाज कर सकते हैं। अल्टीमेटली दवा लेनी पड़ती है, बट उसके साथ भी ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी रिकमेंडेशन या जो दुनिया में रिकमेंडेशन यूज़ होती है वो होती है 30 से 45 मिनट तकरीबन 5 डेज अ वीक। अगर आप 7 डेज अ वीक कर रहे हैं तो 30 मिनट्स, इफ़ यू आर डूइंग 5 डेज अ वीक तो 45 मिनट्स। और जिसमें हम एरोबिक एक्सरसाइज, जिसको फिलहाल में यहाँ पे कार्डियो कहा जाता है, जिसमें आपका सांस चढ़े, पसीना आए, आपको दिल की धड़कन तेज़ हो, जो वैसे है वेट ट्रेनिंग जिसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हमारी टेक्निकल टर्म में कहा जाता है, उसका भी फायदा है, बट ज्यादा फायदा एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर हैं जी शबीर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी। चलें जी, हमारे साथ कॉलर मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप होगी। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से जवाब देना? देखिए जी, मैसेज मेरा यही है कि हार्ट अटैक अगर तो हो गया इस सिचुएशन में, तो जल्द अज जल्द करीबी तरीन एमरजेंसी जाके अपनी ECG कराएं। प्रेफरेबली अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं जहां पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो सकती है बर वक्त, तो उससे आपके हार्ट का मसल बचेगा। जैसे अभी नासिर साहब का ये फ़ोन आया बंद रोड से, तो ही इज़ मोस्ट लाइकली हैड अ हार्ट अटैक और हार्ट को डैमेज हुआ। ये एक मैसेज है कि जी गो टू द क्लोजेस्ट हॉस्पिटल, बिल्कुल डिले ना करें और जाके ECG करवाएं। सही। नंबर दो जो मैं मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि दिस इज़ ऑल प्रिवेंटेबल, दिस इज़ ऑल प्रिवेंटेबल। जैसे हमने बात की कि इसमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हम अपनी खुराक, एक्सरसाइज, वर्जिश और तंबाकू नोशी और अपना हिसाबी तनाव कम करके किसी हद तक इन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जब हमने कोशिश की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ये सब क्यूरेबल है, प्रिवेंटेबल है, इसका ख्याल जितना आप मैक्सिमम रखेंगे उतना आपकी सेहत के लिए बेहतर है। आपसे हम इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज का शो अगर आपने मिस किया है तो 5:00 और 1:00 रिपीट भी होगा, और हमारा यूट्यूब चैनल है जागो लाहौर, वहाँ पर अवेलेबल भी होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।